हाय गाइज, आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि नमक ज़्यादा खाने से शरीर को होते हैं ये 10 नुकसान। एक एक करके पूरा देखें तो बने रहे हमारे वीडियो के अंत तक। इस वीडियो में हम 10 वजह बता रहे हैं जैसे बहुत ज़्यादा नमक खाने से हमारे स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। नमक एक मिनरल है जो सोडियम क्लोराइड से बना होता है। इसका उपयोग आमतौर पर भोजन में मसाला और प्रिजर्वेटिव्स के रूप में किया जाता है। सीमित मात्रा में नमक हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है क्योंकि यह फ्लूड बैलेंस नर्वल फंक्शन को बनाए रखने में मदद करता है। हालांकि बहुत ज़्यादा नमक का सेवन हमारे स्वास्थ्य पर नुकसान पहुँचा सकता है। बहुत नमक का सेवन हाई ब्लड प्रेशर से जुड़ा है, जिससे हार्ट डिजीज और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। यह किडनी की समस्याओं, हड्डियों के नुकसान, फ्लूड रिटेंशन के भी योगदान दे सकता है और हमारी प्यास और स्वाद की भावना को प्रभावित कर सकता है। नमक का सेवन कम मात्रा में करना और हमारे सोडियम सेवन का ध्यान रखना जरूरी है। या हम उन तरीकों को लिक्विड करते हैं जिससे बहुत ज़्यादा नमक का सेवन हमारे हेल्थ को प्रभावित कर सकता है। या हम 10 तरीके बता रहे हैं जिससे बहुत ज़्यादा नमक खाने से हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बहुत ज़्यादा नमक खाने के नुकसान। हार्ट ब्लड प्रेशर। ज़्यादा नमक के सेवन का सबसे बड़ा प्रभाव ब्लड प्रेशर का बढ़ता है। नमक में सोडियम होता है और जब हम बहुत ज़्यादा सोडियम का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में पानी जमा हो जाता है, जिससे खून की मात्रा बढ़ जाती है और ब्लड वेंसल्स पर दबाव पड़ता है। हार्ट रोग का खतरा बढ़ना। बहुत ज़्यादा नमक के सेवन से होने वाले हार्ट ब्लड प्रेशर से हार्ट अटैक, स्ट्रोक और हार्ट फेलियर जैसी हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ जाता है। किडनी डैमेज हो सकती है। किडनी शरीर में लिक्विड का बैलेंस बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। बहुत ज़्यादा नमक खाने से किडनी पर दबाव पड़ सकता है और उनकी फंक्शन खराब हो सकती हैं, जिससे समय के साथ किडनी खराब हो सकती हैं। वाटर रिटेंशन। बहुत ज़्यादा नमक के सेवन से शरीर में पानी जमा हो सकता है, जिससे शरीर के कई हिस्सों जैसे हाथ, पैर और टखने में सूजन हो सकती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस। बहुत ज़्यादा नमक के सेवन से यूरिन के माध्यम से कैल्शियम का उत्सर्जन बढ़ सकता है, जिससे हड्डियों की डेंसिटी में कमी हो सकती है और ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ सकता है। पेट का कैंसर। अध्ययनों से पता चला है कि हाई सोडियम डाइट से पेट के कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। संभवत नमक के पाचन के दौरान बनने वाले कॉस्टोनेटिक योगियों के कारण हो सकता है। खराब कॉग्निटिव हेल्थ। हाई सोडियम डाइट मेमोरी को ध्यान रहित कॉग्निटिव फंक्शन का नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है, जिससे संभावित रूप से कॉग्निटिव फंक्शन और मनोभ्रम का खतरा बढ़ सकता है। फ्लूड इनबैलेंस। बहुत ज़्यादा नमक का सेवन शरीर में लिक्विड बैलेंस को बिगाड़ सकता है, जिससे डिहाइड्रेशन और अति हाइड्रेशन हो सकता है। दोनों ही हमारे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डाल सकता है। प्यास का अधिक लगना। नमक का एक प्राकृतिक प्यास उत्तेजन के रूप में कार्य करता है और बहुत ज़्यादा नमक के सेवन से आपको प्यास लग सकती है, जिससे लिक्विड का सेवन बढ़ जाता है और वाटर बैलेंस को बढ़ा सकता है। टेस्ट सेंसेशन को बिगाड़ देना। ये नियमित रूप से हाई सोडियम खाने से समय के साथ स्वाद कलिकाएँ अनसंवेदनशील हो जाती है, जिससे प्राथमिक स्वादों की सहायता करना सुनिश्चित हो जाती है और संभावित रूप से नमकीन चीज़ों को प्राथमिकता दी जा सकती है। यह अध्याय जरूरी है कि नमक एक जरूरी मिनरल है जिसकी शरीर को बड़ी मात्रा में जरूरत होती है, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा सेवन से हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।